गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई ये सारा सामान है, मेरे घर लेके जाना है। हां एक्चुअली अभी ना मम्मी का फोन आया था, एंड शी वाज लिटरली क्राइंग। मतलब मैं अभी घर पे था, मम्मी एक्चुअली रो रही थी, एंड शी हैड टियर्स इन हर आईज। मम्मी बोल रही थी कि ऋषि को लेके आ। ऋषि एक्चुअली ना आज गई है उसकी नानी के घर पे, एंड मॉम को ना उसके बगैर जरा भी अच्छा नहीं लगता, मतलब किसी को नहीं अच्छा लगता है। बट आज एक्चुअली मैं जा रहा हूँ मैंगलोर, तो ये आपको आज के ट्रिप में पता, मतलब आज के ब्लॉग में आपको पता चल ही जाएगा। तो शिव से लेंगे आज कमली भाई भी नहीं आने वाली है, तू भी घर पे नहीं है, ऋषि भी घर पे नहीं है, मैं एकदम अकेली हो जाऊंगी, एंड आई कैनॉट डू इट। तो कुछ भी कर, ऋषि को वापस लेके आ। अब मैं देखता हूँ कितना टाइम बचता है मेरे पास, बिकॉज आज मैं अपनी कार लेके नहीं जा रहा हूँ। फिलहाल तो जाते हैं शेविंग करवाने के लिए, मुंह एकदम हालत खराब हो गई है, बड़े बड़े खड़ाते हैं, फटाफट वॉकिंग आ रहा हूँ। तो कहते ऑलमोस्ट दो बज चुके हैं, एंड अभी निकलने की तैयारी है, बैक पैक हो चुका है मेरा, एंड ये देखो मैं हमेशा अपने चप्पल डालता हूँ धोने के लिए, लेकिन इस बार हालत देखो हमेशा एकदम क्लीन होकर आते, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा खराब हो गया है। एंड अभी डबल माइंड में हूँ कि मैं लैपटॉप लेके जाऊँ या नहीं जाऊँ, बिकॉज मैं ट्रैवल करने वाला हूँ बस के। ये देखो घूम रहा है वाम, और अभी फिलहाल प्रेम आ रहा है मेरे को ड्रॉप करने के लिए, तो सामान है, एंड मॉम अभी ऋषि को भी लेकर आएगी, और ये सब मेरा सामान लैपटॉप का बैग, मैंने ये लेके ही जा रहा हूँ मैं। हो गया आधा घंटा, हाँ हो गया आधा घंटा, पहले आपने बोला कि नहीं आना है, चल ताले झूठे। मैं पीछे बैठ जाता हूँ क्योंकि फिर मॉम को वापस घर के उतरना चढ़ना पॉसिबल नहीं है। गए चलो, अपनी बस आ गई है, सामान निकाल लेते हैं। ये बस के पीछे अपनी बस है। अरे बीएसटी बस नहीं देखा होगी पार्क। अरे हाँ, लेकिन आटो खोल दो तो। ये है अपनी बस, विजय आनंद। चलो मम्मी मामा, जय श्री कृष्ण भाई। हाँ हाँ भाई भाई भाई, चलो भाई प्रेम भाई, उनका लगेज कंपार्टमेंट है, और भाई बोल रहे मैं सबसे पहला कस्टमर हूँ। अभी हम बैठे हैं बस में, ये है अपनी बस, और ये है अपना सेटिंग के लिए। ऊपर जाने का, अच्छा यहाँ से ऊपर जाना है, ये अपना लगेज के लिए। ये देखो ये दो लोग के लिए है अपर, और बूट बूट रखना है। यहाँ पे भी ये है, ये सिंगल सिंगल सीट के लिए है भाई। एंड देखो बहुत सही है, मतलब ये जो कलर कॉम्बिनेशन दिया ना भाई, बहुत सही है, बहुत सही है। देखो मैंने वहाँ पे बूट रख दिया है, वहाँ पे लैपटॉप का बैग, वहाँ पे इन्होंने क्या बोलते हैं कंबल दिया था, ये एक फ़ैन है, वहाँ पे एक फ़ैन है, ब्लोअर है। ये रीडिंग लाइट फिलहाल तो बंद है, बहुत पता नहीं था कोई चल नहीं रहा है, शायद वहाँ से चालू करेगा शाम के टाइम पर। एंड ऊपर बैठ के भाई एक अलग ही फीलिंग आती है, अलग ही फीलिंग। मेरे लिए ना ये स्पेस बहुत सफिशिएंट है, थोड़ा सा पैर मुझे शायद फोल्ड करना पड़े, बाकी आई फील दिस इज़ वेरी कंफर्टेबल। एंड गाड़ी का सस्पेंशन भाई एकदम सही है, एकदम सही है, समझ में भी नहीं आ रहा है, मतलब गाड़ी खड़े पट्टे में जा रही है। एंड मेरी हाइट की वजह से मेरा जो मतलब जो है ना उसका बड़ी बल दिस हाइट, तो ऐसा भी नहीं कि मेरा सेट टच हो रहा है, बिकॉज मैं सुबह का सोच रहा था कि भाई मेरा हाइट इतना है, बैठता हूँ मैं ऊपर क्योंकि डबल है, ऊपर है और नीचे है, तो यहाँ पर बैठने का सेट तो नहीं होता, बट टच हो रहा है। और फीलिंग अभी तो सही आ रही है, मुंबई के रोड में खड्डे बड्डे भी है कुछ कुछ जगह पे, बस एकदम स्मूथ चल रही है। हाईवे पे तो भाई ये मक्खन होगी मक्खन। देखो अपनी बस का नंबर है 9600 वॉल्वो, और ये था अपने को कन्वर्टेड लिखते हैं वॉल्वो वॉल्वो ये वो वगैरह वगैरह, लेकिन ये सब है एकदम नॉर्मल बसेस। हम देखो इसके पीछे हम देखो किसी है, कहीं पर भी आपको वॉल्वो नहीं दिखेगा। कुछ कुछ लोग तो वॉल्वो वॉल्वो सब देख लेते हैं, एकदम वो कॉपी करते हैं, लेकिन वॉल्वो नहीं होती है। ये बस का सबसे पहला स्टॉप था बुरेली फंक्शन पार्क, सेकेंड स्टॉप था डायरेक्टली अंधेरी, थर्ड स्टॉप अभी हम जा रहे साइन, फिर साइन से फिर अभी पता नहीं क्या क्या है, देखते हैं जैसे सर स्टॉप आएगा मैं आपको बताते रहूँगा। मैं वेट कर रहा हूँ कब अपनी बस ना हाईवे को टच करे, मैं हाईवे पे जो गाड़ी टच करूँ मक्खन जैसी वो एक्सपीरियंस करते हैं। एंड मेरे को याद है बहुत पहले ना राज वॉल्वो करके एक वॉल्वो आती थी,
बाहर ना यहाँ पे टीवी हो रहा था, लोग पिक्चर देखते देखते थे वगैरह वगैरह। अभी कुछ नहीं, अभी एकदम शांत। अपना अपना मोबाइल लो, टीवी से देखो, ब्लॉग विक्रांत को फॉलो करो, उसके ब्लॉग देखो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। चलो ये है नेक्स्ट स्टॉप सायन टूनाबट्टी। उनके एक कस्टमर है जो दादर से ना, उनको लगा कि बस दादर जाने वाली है शायद, बस दादर जाती ही नहीं, उधर सायन से बांटा आती है, वो उधर बैठा है, उसको ट्रैकिंग लेंगे, उसे ट्रैकिंग भी देखा भी नहीं, एंड वो वहीं पे वेट कर रहा था। हम लोग को भी यहाँ पे ऑलमोस्ट आधा घंटे के ऊपर हो गया भाई, हम लोग यहीं पे वेट कर रहे हैं। अभी वो शायद आ रहा है यहाँ पे कहीं, वो बहुत ज़्यादा लेट सबको होने वाला भी। ये नेक्स्ट स्टॉप है, ये है चेंगूर। इसके बाद शायद डायरेक्टली निकलेगी वाशी के लिए। वाशी, अभी इसके बाद होगा शायद के पूना, नहीं नहीं अभी उसके पहले होगा पनवेल। पनवेल भी रुकेगी शायद, कलम्बोली पनवेल वगैरह। तो वी आर अबाउट टू रीच फुटबॉल, द वेरी फर्स्ट फुटबॉल है अभी मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे का, तो ये हमारा सबसे फर्स्ट हॉल्ट है। देखो ये अपना एचपी का पेट्रोल पम्प, जहाँ पे मैं हमेशा यहाँ पे डीजल भरता हूँ। देखो ये अपनी बात है, क्या लग रही है, पहले पता नहीं मैंने आपको दिखाया कि नहीं वीडियो में, लेकिन ये देखो एक नंबर लग रही है भाई। ये हमारी बस और ये दूसरी बस, वो भी निकली है, पता नहीं वो कहाँ जा रही है। चौथे फरवरी कुछ खा पी लेते हैं बिकॉज 20 मिनट का टाइम है हमारे पास। ये देखो भाई, हमने मंगा लिया दाल की ग्रेवी, एकदम हल्का फुल्का खाने का, ज़्यादा कुछ भी हैवी नहीं, बिकॉज वॉमिटिंग कभी भी हो सकता है अपने को। तो भाई भाई 5:30 हो गया एंड अभी एक छोटा सा हॉल्ट लिया है सिर्फ वॉशरूम ब्रेक के लिए। बहुत सही जर्नी था फिलहाल तो, सो ये था। मैं तो अभी जैसे उठा हूँ, समय नहीं है ये लगभग, एंड आई एम हैविंग दिस इडली मेन्यू वाला भाई, नेक्स्ट टाइम बस में तो नहीं आऊँगा पक्का है वो। बहुत पहले आ गए थे अंदर से सारा रूम, सर ने ओनली चेकिंग किया है, वेटिंग डाउन। तो हम तो से हमारा सामान रखेंगे एंड अगेन हम लोग फिर निकल जाएंगे खाना वाना खाने के लिए। सर का सामान, पानी का बॉटल, लैपटॉप भी फिलहाल यहाँ पे रख देता हूँ मैं। बाकी एक्सपीरियंस ऑफ द बस वाज हॉरिबल, मतलब बस में कोई कमी नहीं थी, जो कमी थी ना वो अपने रोड्स में थी। कलर में 2 से 2.5 घंटा रास्ता बंद था, इसीलिए हम लोग को बहुत लेट हो गया आने में, वो मुझे नहीं पता चला। एंड जहाँ पे बहुत ज़्यादा खड्डे पड़े थे ना, बस तो एकदम स्मूथ चल रही थी, लेकिन जब वो टर्न वाला था ना भाई, मैं पूरा ऐसा ऐसा होता, इतना वॉमिटिंग सेंसेशन हो रहा था पूछो मत। अरे भाई देखो फिलहाल तो हमने खाना मंगा लिया भाई, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। कल तो मैं मर मर के खाना खा रहा था, डर डर के खाना खा रहा था बिकॉज वॉमिटिंग ना हो जाए, और अभी तो कोई टेंशन नहीं है भाई। भाई अभी हम लोग आ गए ताजमहल कैफे, हम भाई अब सर हम फिर चाय।
भाई अभी हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, एंड ये हमारे मोहन भाई इलेक्ट्रिक ऑटो डिस्प्ले लास्ट टाइम अपने ब्लॉग में देखा रहेगा। तो भाई बहुत सही लग रहा है भाई, वो वॉल्वो से उतरने के बाद भाई बहुत सही लग रहा है। ये देखो हम लोग जा रहे हैं अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं मुल्की। हाँ, एंड ऑन दिल हम लोग को दिखा है यहाँ पे एक छोटा सा एक्सीडेंट, आई होप किसी को लगा भगा ना हो। मोहन जी देखो अगर चप्पल नहीं मिला आज, हाँ अगर लेट हुआ तो कल हम जहाँ पे जा रहे हैं मंदिर में, ठीक है, तो वहाँ से कोई चप्पल उठाएंगे, ठीक है। 11 नंबर रहा मेरा। सर का कितने सर? सर को नहीं चाहिए। सो नाउ वी हैव कम टू बाटा, क्योंकि मेरे जो चप्पल जाना भाई वो मिले नहीं, मतलब खराब हो गए थे, तो 11 नंबर देखने जा रहे हैं। ऊपर जा रहा हूँ, बहुत बड़ा स्टोर है भाई मुंबई में, इतना बड़ा स्टोर मैंने बाटा का आज तक कभी देखा नहीं है। यहाँ पे है, वहाँ पे नीचे है, देखो पूरा बाटा को ओपन कर दिया भाई मैंने, वो ट्राई किया ये ट्राई किया, लगा मुझे ये बहुत अच्छा लगा। इसमें देख रहा हूँ 11 नंबर है कि नहीं, एंड चप्पल मैंने ये लिया है पुराना वाला, ये चप्पल दिख रहा नहीं। ये पहले हम लोग यहाँ पे आए थे, मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ देख लिया, फाइनल कर दिया, लेकिन यहाँ पे रेट मुंबई से रेट्स इतने सस्ते हैं ना भाई कि मैंने उनको बोला आप उसको साइड में रखो, कल और भी आऊँगा और भी शॉपिंग करूँगा, बिकॉज शटर अभी बंद किया, टाइम नहीं था, तो वो सारी चीज़ कल पिकअप करेंगे। एंड और बहुत सारी चीज़ और भी मुझे भी लेना है, मेरे बच्चे के लिए और सबको लेना है, उनके फैमिली मेम्बर्स के लिए। भाई टाइम देखो जस्ट 9:25 एंड हाफ ऑफ द मैंगलोर इज़ क्लोज, मतलब यहाँ की लाइफ इतनी सिंपल एंड इतनी सही है ना भाई। मेरा काम नहीं किया, उसका बराबर काम किया चप्पल का। अरे ये नहीं सर, अभी चाहो उसकी थोड़ा गलती है। अभी दुकान सब बंद हो गई है, तो अभी कल वापस आएंगे। गणेश चलो अभी जाते हैं अपने होटल की तरफ, एजे ग्रैंड। भाई अभी हम लोग इन हाउस जो है इनका है ना रेस्टोरेंट, वहाँ पे बैठे हैं, चलो तो मंगल सूप मंगा है एंड स्टार्टर्स मंगा है, उसके बाद हम लोग खाएंगे नॉर्मल घी राइस। अगर मैं हम लोग जब गए थे शाम को टेंपल में, तो वो टेंपल में ना हमको देखो मैं आपको दिखाता हूँ प्रॉपरली हमारा सत्कार किया गया था, मतलब ये जो होता ना दुपट्टा, ये दुपट्टा हमने हमको पहनाया गया था क्योंकि वहाँ पे जो गुरुजी था ना वो मेरे व्लॉग देखते हैं, एंड उन्होंने मुझे बहुत सालों पहले मुझे मैसेज किया था कि मैं उसी टेंपल में मैं गुरुजी हूँ वहाँ पे, बट वो व्लॉग मैंने कब डाला था जब मैं मुंबई पहुँच गया था और कुछ दिनों के बाद मैंने डाला था, तो मैंने उनको रिवर्ट किया था, ये बात मेरे दिमाग में रह गई थी, ये सर मैंने सर से बात की थी, सर बोला हाँ ओके हो सकता है नेक्स्ट टाइम कभी हम जाएंगे तो हमको मौका मिलेगा तो विल मीट हिम। आज जब हम गए ना वहाँ पे तो मुझे नहीं मालूम था ये वही टेम्पल है, तो उन्होंने सर से बोला कि रौनक भाई है क्या ये वही व्लॉगर है, तो सर ने बोला हाँ वही है, तो फिर मैं गया उनसे मिला, मेरे को और सर को दोनों को बहुत स्पेशल वहाँ पे उन्होंने मेरा सत्कार किया, तो थैंक यू सो मच अगर आप आज का वीडियो देख रहे हो तो, एंड उससे नंबर भी दिया है, तो हम लोग वापस जाने वाले हैं ये ट्रिप में तो नहीं, ये ट्रिप अभी मतलब वहाँ के लिए वो ख़त्म हो चुका है, शायद जो हमें आपको भी ड्रीम ट्रिप रहेगी हमारे मैंगलोर के लिए तभी मैं वापस उनको मिलूंगा, एंड थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। तो भाई चलो अभी हम लोग रूम में आ चुके हैं, फिलहाल तो मेरे को ना बहुत सारे वीडियोस है जो एडिट करना है, बहुत सारे नहीं मतलब एक ही दो, कल का मतलब आज का दोनों का कंबाइन करूँगा, वो वीडियो एडिट करूँगा, बिलिंग का काम बहुत सारा है मेरे पास, बहुत सारा पेंडिंग है, शायद आपको पता है अंकित भाई का आपका नाम सुना रहेगा, दिल्ली में ब्लॉगर है, मतलब इंस्टाग्राम में बहुत ज़्यादा फेमस है, वो ओला वा करते हैं एंड क्लाइंट से बात करते हैं, स्पेशली उनका एक वीडियो है लेंस कार्ड के साथ तो बहुत फेमस हुआ था, उनको मैं मुझे मतलब उन्होंने मेरे क्लाइंट को भी सर्विस दी थी कुछ दिनों पहले, मुझे उनको भी पेमेंट करना है, बहुत सारे बिल बाकी है, वो सब मैं भी बैठ के फटाफट क्लियर करता हूँ, बिकॉज कल पूरा दिन हम लोग वापस बाहर जाने वाले हैं, टेंपल विजिट्स है तो वो सब है कल, तो आखिर वो लोग कहते हैं ये पे एंड, अगर आपको मेरा आज की वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड मिलते हैं कल के ब्लॉग में, टिल दैट टाइम प्लीज़।